वहीं विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ के मंदिर की प्रतिमूर्ति दिल्ली में बनाए जाने को लेकर आज कल केदारनाथ धाम से लेकर पूरे उत्तराखंड में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण दिल्ली में किए जाने की खबरों को लेकर सोमवार केदार सभा के प्रतिनिधियों द्वारा उप जिला अधिकारी उखीमठ के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान इन प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि हिमालय की गोद में बसे भगवान शिव के प्रिय निवास स्थान श्री केदारनाथ जैसा धाम कहीं और बनना संभव नहीं है। धाम का निर्माण अन्यत्र कहीं भी किए जाने पर पुरजोर विरोध करने का संकल्प लिया गया। वहीं उप जिला अधिकारी उखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि आज केदार सभा के पदाधिकारियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें केदार सभा के प्रतिनिधियों द्वारा केदारनाथ मंदिर का अन्यत्र निर्माण का पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण में सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधि परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सारा सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। श्री बाबा केदारनाथ धाम जैसा केदारनाथ धाम दिल्ली में बनाए जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर एवं अन्य जगहों प्लेटफॉर्म पर जो खबरें चल रही हैं उसके संबंध में केदारनाथ सभा के श्री अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी और संतोष त्रिवेदी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आज हमारी वार्ता हुई है और वार्ता काफी सकारात्मक रही। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक दल उनका माननीय मुख्यमंत्री जी से देहरादून में भी जाकर के मिला और वहां पर वो संतुष्ट नजर आया और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि BKTC जो ये मंदिरों की देखरेख करती है उनके द्वारा भी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और वह भी जल्दी ही इस संबंध में कोई कार्रवाई करेंगे। तो सोशल मीडिया पर जो प्रचार किया गया है वह एक प्रकार का भ्रामक प्रचार है ऐसा इन लोगों ने बताया और इसका पुरजोर विरोध करने का भी संकल्प दोहराया और वह काफी संतुष्ट है और उनका भी मानना है कि केदारनाथ धाम जैसा धाम अन्य जगहों पर नहीं बनाया जा सकता।